नमस्कार, स्वागत है आपका एसटूडी की विशेष रिपोर्ट में। आज हम आपको लेके आए हैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है सुरेश कुमार। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों का किस तरह से उनको सहयोग मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका एसटूडी में स्वागत करती हूँ। आप बताएंगे कि लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का लोगों का आपका रुझान मिल रहा है? मैं एसटूडी चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप फील्ड में इतनी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात है और सहयोग की बात है, मुझे भोरंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत जन समर्थन मिल रहा है और भारी जन समर्थन लोगों का मुझे इस क्षेत्र में मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने इस वक्त मन बनाया है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे लोग जिताना चाहते हैं। इस बार जो है वो कांग्रेस ने आप पे दाव खेला है, तो आपको क्या लगता है कि कितना जो है आप इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का एक मुखिया चेहरा रहा हूं और मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया है। मैंने कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में लंबे समय से सींचा है। मैं एक सक्रिय राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा सक्रिय रहने वाला राजनीतिज्ञ हूँ, चाहे सत्ता में हूं चाहे विपक्ष में हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस क्षेत्र में थी तो उस वक्त भी मैंने संगठन को सक्रिय रखा और मैंने यहां पे जो जन आंदोलन थे उनका नेतृत्व किया लोगों के सहयोग से। चाहे पीने के पानी की यहां बात करें, जो हमारी पेयजल योजना है, जो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र के लिए 72 करोड़ रुपए की योजना दी है, जिसे पूरे वमसन और मेवा क्षेत्र को पानी इस वक्त मिल रहा है, उस योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां से बदलने का काम किया था और उस पानी को डाइवर्ट करके धर्मपुर और मंडी तक ले जाने का काम किया था। हमने उसके लिए संघर्ष किया, लोगों के साथ मिलकर हमने यहां पे जन आंदोलन किया और 5 दिन तक हमने धरना प्रदर्शन करते हुए उस पानी की लड़ाई को लड़ा और लोगों की इस जंग में जनता की जीत हुई और आज इस क्षेत्र के जो जनता है उस पानी का लाभ पूरा उठा रही है। अन्यथा क्या होता, अगर हम यहाँ पे संघर्ष ना करते तो जो पानी आज लोगों के घरों में मिल रहा है वो पानी अन्य क्षेत्रों में चला जाता, मंडी में चला जाता और हमारे लोग यहाँ पे पैसे रह जाते। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या जो थी वो हमने संगठन के माध्यम से और लोगों के सहयोग से यहाँ पे पूर्ण की है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे कई कार्य जो थे, हमने सरकार में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए यहाँ पे मैंने किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे मेरे उन सभी कार्यों का और कांग्रेस पार्टी के जो कार्य यहाँ पे इस क्षेत्र में हुए उनका यहाँ पे लाभ देगी और हमें वोट के माध्यम से अपना समर्थन देगी। किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप लोगों से मिल रहे हैं? हमारे सबसे बड़े मुद्दे विकास के हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में अथाह विकास हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है और उसी का एक हिस्सा भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भी आया। आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जो तस्वीर है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज भोरंज में जो भी दफ्तर आए हैं वो कांग्रेस पार्टी लेके आई है। एसडीएम कार्यालय से लेके तहसील, ब्लॉक और अन्य छोटे से छोटा कार्यालय जो है वो कांग्रेस पार्टी लेके आई है और भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा यहां से कार्यालयों को उठा के दूसरे स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया है। हम विकास के मुद्दे के ऊपर जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के नाम पे ही हमारी विजय होगी। माना जाता है कि जब भी आपको कांग्रेस हाईकमान टिकट देती है तो उसका आप ही के पार्टी के एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल विरोध करते हैं। पहले 2 बार भी उन्होंने विरोध किया है, इस बार फिर वो आपके समक्ष विरोधी के रूप में खड़े हैं, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि प्रेम कौशल जी मेरे बड़े भाई हैं और पार्टी में रहे हैं। वो किन परिस्थितियों में पहले भी खड़े हुए और अब भी खड़े हैं इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी उनसे बातचीत चल रही है और वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको कांग्रेस पार्टी की जो मिशन रिपीट है उसमें अपना वो सहयोग करेंगे और उसमें उस उद्देश्य से वो अपना नाम वापस लेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे, ये मुझे भरोसा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भाजपा का गढ़ रहा है भोरंज, तो
भाजपा के गढ़ में भाजपा ने जो है एक महिला को उतारा है। पिछली बार उपचुनावों में भी कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी थी, और इस बार क्या लगता है कि इस बार भाजपा के जो समर्थ उम्मीदवार है उसके मुकाबले कितना समर्थन जो है वो जनता आपको देगी? देखिए, जहां तक महिला उम्मीदवार की बात है तो महिलाओं को जो सम्मान आज तक पूरे समाज में मिला है या राजनीति में मिला हो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी महिला को आगे लाया है तो वो कांग्रेस पार्टी की सोच और कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं जिससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। जहां तक भोरंज विधानसभा क्षेत्र से महिला को प्रतिनिधित्व देने की बात है, मैं महिलाओं के कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, और मैं कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। मैं महिलाओं का हमेशा से हितैषी रहा हूं, महिला अधिकारों की मैंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन जिस महिला को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, मेरा ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर वो वोरेंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर की किसी महिला को, किसी सशक्त महिला को, पढ़ी लिखी महिला को उतारते तो बेहतर होता, क्योंकि वोरेंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी अच्छी औरतें हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी हैं। अगर उनमें से किसी को मिलता तो मैं समझता कि भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की है। लेकिन ये उनका अपना निजी मामला है, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपने चुनाव पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम विजय की ओर अग्रसर हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो अगर आप इस सीट से जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मैंने एक भोरंज संकल्प के नाम से एक अलग से मैनिफेस्टो हमने तैयार किया, कांग्रेस पार्टी ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भोरंज ने, हम जनता के बीच में उसको लेके आ रहे हैं। उसमें हर क्षेत्र के लिए जो योजनाएं हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो मैं स्वयं महसूस करता हूं या हमारी पार्टी महसूस करती है कि किस किस क्षेत्र में किस किस तरह के विकास की आवश्यकता है, हम वो विजन लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं और उस विजन के आधार पे हम विकास कार्य करेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, जो भोरंज विधानसभा क्षेत्र का मैनिफेस्टो हमने बनाया है, उसके अंतर्गत हमने उन समस्याओं को जनता से लिया है कि किस क्षेत्र में कौन सी समस्या है, किस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है। और हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, हमारा जो बराड़ा, समीरपुर और बगवाड़ा का एरिया है उसमें कौन सी समस्या है, हमारा ये जाहू और मुंडकर, धमरोल या बडैर है उसमें क्या समस्या है, हमारा पट्टा महल ताल महल और अमन इसमें क्या समस्या है, हमारे ये जो बीच का क्षेत्र है, भोरंज है, तरकवाड़ी है, भरेड़ी है, चंबो है, इनमें क्या समस्या है, उनका हमने पूरा सर्वे किया है और जनता से हमने सुझाव मांगे हैं और उन सारे सर्वे के आधार पर और सुझावों के आधार पर हमने अपना मैनिफेस्टो भोरंज के लिए तैयार किया है। हम उस मैनिफेस्टो के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे और सरकार बनने के बाद उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम विकास कार्य करेंगे। जहां पे कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस के ही कुछ लोगों का कहना है कि आप जो है वो लोगों से कम मिलते हैं और चुनावी जब दौर आता है तब लोगों से मिलते हैं, चुनावों के दौरान क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले कहा कि मैं एक निरंतर सक्रिय रहने वाला कार्यकर्ता हूं, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। जो लोग आज लोग नहीं मुझे कहते हैं, कुछ लोग, चंद लोग हैं जो स्वयं टिकट की इच्छा रखते हैं, वो ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं, क्योंकि मेरे खिलाफ बोलने के लिए कोई और चीज नहीं है तो एक छोटी सी चीज ये निकाल दी है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब भोरंज क्षेत्र का जो पानी का मसला था उसको मंडी में भारतीय जनता पार्टी बदल रही थी, पाइपें उखाड़ी जा रही थी, उस वक्त वो लोग कहाँ थे? जब भरेड़ी के स्कूल की बिल्डिंग का और सरकारी जमीन का अतिक्रमण जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा था उस, और हमने धरना प्रदर्शन किया था, उस वक्त वो लोग कहाँ थे? और उसके बाद भी जब जितने धरना प्रदर्शन यहाँ पे भोरंज के अंदर हुए, हमने लोगों की जन समस्याओं को उठाया और हमारे ऊपर पुलिस केस बने, हमारे ऊपर मामले दर्ज हुए, अदालतों में हमने उनको भुगता, उस वक्त वो लोग कहाँ थे? महज जब सरकार आ जाए और सरकार में जब सत्ता यहाँ पे हो जाए कांग्रेस की, उस वक्त आ जाएं और उस वक्त
आके यहाँ पे अपना काम संभाल लें। मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पे तबादलों को विकास का नाम दिया है, वो विकास की परिभाषा शायद तबादलों को लेके करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, तबादलों में मैंने अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया। अगर तबादलों को ना करवाना, सक्रियता ना होना कहते हैं, तो मैं वाकई सक्रिय नहीं था। मैं तबादलों में कभी सक्रिय नहीं हुआ। मैं लोगों के सहयोग से और लोगों की समस्याओं के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा और मैं निरंतर जनता के बीच में रहता हूँ। अगर बात की जाए भोरंज क्षेत्र की, तो भाजपा जो है वो 30 सालों से भोरंज में है, एक छत्र राज कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा के शासनकाल में जो है वो कितनी कमियां, अभी विकास कितना रुका हुआ है? मैंने पहले बताया कि भोरंज क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य हुए वो मात्र कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए। आप सारा इस चीज को आप खुद स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बहुत सारे अभी के विकास के कार्य करने की आवश्यकता है। भोरंज एक 100% साक्षर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें उस हिसाब से हमें विकास करने की आवश्यकता है। हमारे पास यहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए नौजवान है, उनको रोजगार की दिशा की ओर ले जाने की बात है, उस तरीके का विकास यहाँ पे होना चाहिए। हमारा यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन है, हमारे जो इम्प्लाई हैं, उनके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी जो आगामी पीढ़ी है, उस पीढ़ी की जो जरूरतें हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, उसके अनुरूप कार्य करने की यहाँ पे आवश्यकता है। और कांग्रेस की जब सरकार आने वाली जब बनी है, और इसमें निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस पार्टी की विजय होगी और हम इन सारी जो लोगों की उम्मीदें हैं उनके ऊपर पूरा खरा उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो प्रेम कौशल जी ने नामांकन भरा है, उसका आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी तक आजाद उम्मीदवार तो कल के बाद ये चीज का पता लगेगा, जब विड्रॉल जब हो जाएगी, उसके बाद किसी को आप आजाद उम्मीदवार कह सकते हैं। अभी तक तो जो 7 उम्मीदवार हैं उनमें से पता नहीं कितने रहेंगे, कल तक विड्रॉ करेंगे, तो इस विषय के ऊपर उसके बाद ही बात की जा सकती है। इससे पहले भी 2 बार आपको भोरंज की जनता जो है वो नकार चुकी है, तो इस बार क्या, किस तरह से आप भोरंज की जनता को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? मुझे भोरंज की जनता ने कभी नहीं नकारा है। मैंने 2003 में 46% मत लिए हैं, जो अधिकतम मत थे, मैंने 46% मत लिए। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो मत प्रतिशत था, वो जो उम्मीदवार हार गए थे उनमें सबसे ज़्यादा मेरा था। दूसरी बार मुझे 2007 में पार्टी ने टिकट दिया, उस वक्त मैंने 39% मत लिए, जबकि उस वक्त भाजपा की लहर थी, एंटी इनकमेंसी थी पार्टी के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद मैंने 39% मत लिए। तो ऐसा कहना कि मुझे जनता ने इनकारा, और परिस्थितियां क्या थी इस क्षेत्र की जनता जानती है कि उस वक्त परिस्थितियां क्या थी, और दोनों ही बार यहां पे किन परिस्थितियों में मैं हारा उनके बारे में मैं भूलना नहीं चाहूंगा इसमें, लेकिन जनता जानती है। जनता ने हमेशा मुझे प्यार दिया, जनता ने हमेशा मुझे चाहा है। चाहे मैंने जिला परिषद का चुनाव जीता, वो रिकॉर्ड था, जब मैंने जिला परिषद का चुनाव भी इस क्षेत्र से जीता है तो वो रिकॉर्ड जीत थी मेरी, और उसके बाद भी जो चुनाव थे हुए उनमें भी मुझे अच्छे मत मिले, और आगे भी हमारी जो है जनता मेरे साथ है और जनता मुझे चाहती है, जनता का सहयोग मेरे साथ है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। दूसरी बात अगर की जाए तो आपको जो है वो ज्यादातर जो है वो वीरभद्र सरकार के एंटी माना जाता है और संगठन के करीबी माना जाता है, तो इन चुनावों में कितना असर पड़ेगा? ये बिल्कुल सही नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के एंटी में कभी नहीं था, मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन के साथ रहा, लेकिन जब संगठन की सरकार बनती है तो मैं सरकार के साथ भी होता हूँ। वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और मैं कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके
बराबर के हमारे पास बहुत कम नेता हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक ऐसा परसेप्शन बना दिया है कि मैं उनके खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं हूं और ना ही वो मेरे खिलाफ हैं। अगर वो मेरे खिलाफ होते तो वो मुझे टिकट क्यों देते 3 बार? वो मेरे खिलाफ होते तो सरकार में अभी उन्होंने मेरे को बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डायरेक्टर बनाया था, और अगर वो खिलाफ होते तो मेरे को अपना कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया था, और कई जगह पे सरकार में उन्होंने मेरे को तवज्जो दी थी। तो ऐसी बात नहीं है, वीरभद्र सिंह जी हमारे नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, हम उनकी कदर करते हैं और वो निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी। वीरभद्र सिंह जी 7वीं बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बनेंगे। अपनी जीत को लेकर कितने सशक्त हैं आप? मैं जनता के प्यार और जनता का जो सहयोग है उस पे पूरा आश्वस्त हूँ, और अपनी जीत के लिए मैं 100% आश्वस्त हूँ। कितना मार्जिन लेके चले हैं आपकी इस बार? इतने मार्जिन से जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो विजय मिलेगी? मैं मार्जिन पे नहीं जाता, मार्जिन तो जनता बनाती है, जनता बढ़ाती है, लेकिन जनता का सहयोग, जनता का जो प्यार है वो मेरे साथ है, और इस बार जो जीत है वो कांग्रेस पार्टी की होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे भोरंज की जनता को? मेरा भोरंज की जनता के लिए संदेश है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र एक पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छे हमारे एम्प्लाइज हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पे अच्छे हमारे आर्मी मैन हैं, फौजी हैं, यहाँ हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, यहाँ पे हमारे अच्छे किसान हैं। तो उनके लिए ये संदेश है कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान को प्रतिनिधित्व करने का मौका दें, और मैं उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा, और सब लोगों के सहयोग से मैं सभी वर्गों के लिए कार्य करूंगा, और जो यहाँ पे इस क्षेत्र में करने की आवश्यकता है वो मैं करूंगा, यही मेरा संदेश है। शुक्रिया सुरेश जी, आपने हमसे बात की। आपने देखा कि सुरेश जी ने अपनी प्राथमिकताएं रखी, अपने मुद्दे रखे, साथ ही उन्होंने भोरंज की जनता को विश्वास दिलाया कि इस बार 7वीं बार जो है वो कांग्रेस पार्टी मिशन रिपीट करेगी और साथ में ही भोरंज का पूर्ण विकास करेगी। कैमरामैन सुमित के साथ मीनाक्षी, एसटूडे न्यूज, हमीरपुर।